ओलंपिक वर्ष 2024 में भारतीय खिलाड़ियों को बधाई के साथ दिनांक 19 से 21 जुलाई 2024 को वाराणसी के एक निजी होटल में 22वीं नेशनल रैंकिंग डार्ट्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। डार्ट्स खेल की विश्व स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता और आगामी डार्ट्स एशिया पैसिफिक कप और डार्ट्स प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए क्रीड़ा भारतीय काशी प्रांत के सहयोग से ऑल इंडिया डार्ट्स एसोसिएशन वाराणसी में नेशनल रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। सभी चीजें ऑल इंडिया डार्ट्स एसोसिएशन आज यूपी में फर्स्ट टाइम ये नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप हो रहा है। यहाँ से जो फाइनल टीम जो क्वालिफाई करेगा जो प्लेयर लोग उसका रैंकिंग पॉइंट का हिसाब से वो लोग इंडिया रिप्रेजेंट करेगा। एशिया कप हो रहा है 2nd to 6th of November चाइनीज टाइपे में, तो उसमें हम लोग का मेंस एंड लेडीज दोनों इवेंट का ही प्लेयर रहेगा। एंड फर्स्ट टाइम यूपी में कर रहे हैं हम लोग, दो इवेंट नया जोड़ रहा है इस टूर्नामेंट में। हम लोग पहले पैरा डार्ट्स कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। प्लस हमारा इस बार पुलिस गेम भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, जहाँ से नेक्स्ट ईयर हमारा वर्ल्ड पुलिस गेम हो रहा है उसमें हम लोग इंडिया टीम भेज सकते हैं। और ये 3 दिन का टूर्नामेंट है, 19 to 21st, अराउंड 120 प्लेयर्स अक्रॉस द कंट्री 12 स्टेट का आ रहा है। तो हर टूर्नामेंट का जैसा इवेंट होता है उसमें हम लोग 1 lakh rupees कैश प्राइज भी दे रहे हैं। इसमें जैसा मेन सिंगल्स, लेडीज सिंगल्स, यूथ बॉयज गर्ल्स एंड वेटरन सिंगल्स हो रहा है, उसका साथ में पैरा का इट्स ओपन इवेंट है और पुलिस का भी एक ओपन इवेंट है। जी सर, अपना परिचय है। मेरा नाम महेंद्र है और मैं कानपुर से हूँ और मैं एक इंटरनेशनल दिव्यांग खिलाड़ी भी हूँ और कई मैंने अलग अलग विभिन्न खेलों में मैंने शूटिंग हुआ और पैरा कबड्डी हुआ, पैरा वॉलीबॉल हुआ, अन्य 7 खेलों में मैंने नेशनल भी खेला हुआ है। आज की जो आपकी जो इवेंट होने वाली है उसके विषय में क्या? देखिए ये पैरा डार्ट्स है जो नेशनल होने जा रहा है, 22वीं है जो नॉर्मल के लिए हो रहा है, लेकिन पहली बार इसमें पैरा को शामिल किया गया है जो कि इसमें नेशनल रैंकिंग के खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये इसलिए सहूलियत है दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कि इसमें ज़्यादा आउटडोर में ज़्यादा दौड़ना भागना नहीं है, बड़े आराम से, इसमें कोई इंजरी भी नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए पैरा डार्ट्स में पैरा खिलाड़ियों के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। लगभग अभी इसमें 18 खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं कल से। इसमें जी मेरा नाम महिमा गौतम है, मैं उन्नाव से बिलोंग करती हूँ यूपी से, और मैं डार्ट्स खेलती हूँ। मैं डार्ट्स की इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ, थाईलैंड में गई थी लास्ट ईयर खेलने। डार्ट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, जो लोग एक्चुअली मैथ में काफ़ी मतलब थोड़े से वीक होते हैं, कैलकुलेशन में उनको थोड़ा दिक्कत होती, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट गेम है ये डार्ट्स। और अगर कहे तो माइंड के लिए भी एक बहुत ही अच्छा, ये डार्ट्स गेम बहुत ही अच्छा है, माइंड रिफ्रेश हो जाता है इसको खेलने से। अगर कुछ लोग एक्चुअली बहुत लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी डार्ट्स एक बहुत बेस्ट गेम है। और डार्ट्स एक इंटरनेशनल गेम है और अभी यहाँ पे रिसेंटली होने जा रहा है, यूपी में पहली बार नेशनल रैंकिंग होने जा रही है, तो ये बहुत ही अच्छा है हम सबके लिए कि एक नया एक यहाँ पे होने जा रहा है। और अभी यहाँ पे कल यहाँ पे हमारा इवेंट है, नेशनल रैंकिंग है, तो बहुत अलग अलग स्टेट से 13 स्टेट से प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से प्लेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है हमारे यूपी में, तो एक नई चीज़ है, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो थैंक यू सो मच।